अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स करो और जी बेल आइकन को प्रेस करो। तो जी आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आप लोगों ने कहना है कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो जी आज हम जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के पास और मैंने कहा जी अब ईद भी है तो चलें अब मैं उधर चली जाती हूँ। वो काफ़ी टाइम हो गया उसके पास नहीं गई थी मैं, तो मैंने कहा जी आज हम चलते हैं। तो अब सफ़र बहुत ज़्यादा था, बहुत लंबा सफ़र था, तो खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा अब हम चलते हैं और आप लोगों को वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ, ठीक है? तो लेट्स सी। देखें मैं आ चुकी हूँ अपनी सिस्टर के घर और माशाल्लाह से सब बहुत खुश हैं, सब के चेहरों पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये देखें मेरे भांजे भी बहुत खुश थे माशाल्लाह से। और ये छोटे वाला माशाल्लाह ये बहुत शरारती है, ये कहता था मुझे मेरे नाम से बुलाता है जी, और कभी काला कहता है और कभी नाम से बुला लेता है। तो बस इसी तरह से बच्चों की रौनकें लगी रहती हैं और बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते थे मुझे। मैंने कहा चलें जी मैं भी चलती हूँ अब इनके पास कुछ दिन के लिए। तो है ये देखें जी मैं ऊपर आई हूँ छत पे बेटी को लेके, मैंने कहा इसको सुलाऊं और इन्होंने कहा है जी खाला तुम सारे काम छोड़ो, ये हमारी टोइयाँ देखो। इसने निकाल निकाल के सारी मेरे आगे रखते गए और मुझे हंसी आए साथ साथ कि क्या कर रहे हैं ये दोनों, और इतनी ज़्यादा और टोइयाँ ला ला के रख रहे हैं, कभी ये देखो कभी ये देखो। और मेरी बेटी को कहते हैं तुम भी मवरा ये देखो, उसको मरवा नहीं इसको मवरा कहते हैं, बड़े वाला मोहम्मद जो है वो मवरा कहता है उसे। तो ये बुक भी ले आया साथ, कहता है इसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और छोटे वाला जो है वो बस इसी तरह माशाल्लाह। और इसी तरह हमारा जी इफ्तारी का भी टाइम नज़दीक था तो आज ये मेरी सिस्टर तैयार कर रही थी कबाब वगैरह, उसका मेज़ा बना रही थी के भी और छोटे छोटे से पीस बना रही थी, ठंडी बहुत ज़्यादा थी और फिश को भी इसने सही तरीके से नहीं काटी जा रही थी यार। और यहाँ पे उसने इसको बेसन वगैरह इसके लिए तैयार किया, उसके अंदर उसने सारा मसाले वगैरह डाले, मुझसे ज़्यादा तफसील से नहीं बनाया गया यहाँ से वीडियो। और यहाँ पर देखें जी उसने कीमा तैयार कर लिया और कीमा भी साथ साथ वो उसकी भी बुनाई कर रही थी और यहाँ पर बना रही थी। ये यकीन करें इसके हाथ की सेवैयाँ बहुत मज़े की होती हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है इसके हाथ की सेवैयों का। और यहाँ पे उसने कीमा मटर भी बेहतरीन सा हमारा तैयार हो चुका था, इफ्तार का सारा मेन्यू तैयार था। ये फ़िश थी, पकोड़े बनाए थे साथ में, कबाब, समोसे, छोटी समोसियाँ जो सी होती हैं रोल, और यहाँ पे फ्रूट चाट थी, फ्रूट चाट भी उसने तैयार करके रख दी थी। और सेवैयाँ देखें वो भी बहुत मज़े की थी। और इसके अलावा आज का सुबह का मौसम था वो भी बड़ा प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा मौसम था। और सुबह सुबह मैंने कहा मैं आप लोगों को सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाऊँ। और इसके अलावा हमने थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करनी थी और बस वो करने के लिए हम निकल गए थे। यहाँ पर एक पाकिस्तानी शॉप थी जी, हम यहाँ पे आए, कोई स्टॉलर वगैरह लेने थे तो खैर स्टॉलर तो पसंद नहीं आया, हमें सूट पसंद आ गया था बस वो हमने लिया मैंने अपने लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल वाले व्लॉग में ज़रूर वो दिखाऊंगी। और ये देखें छोटा जो उनसे जा रहा है, इसके शूज़ लेने थे और शूज़ लेने पे काफ़ी टाइम हमें लग गया था, इसको शूज़ ही नहीं पसंद आ रहे थे बस, और ये शूज़ लेने के लिए निकल गया बस। और इसके अलावा जी फुटबॉल देख ले तो बस इसको दिल करता है कि वो नीचे पड़ा और मैं किक लगा दूँ एक फ़ुटबॉलों की, बस वो इसका फ़ुटबॉल में बहुत ये इंटरेस्ट लेता है जी। इसके अलावा ये शूज़ वगैरह थे यहाँ पर बहुत ही अच्छे और प्यारे से थे लगे हुए। और यहाँ पे साथ साथ ये मैं हम देखते गए और इसके शूज़ फिर भी हमें पसंद नहीं आए, तो आखिरकार हमें एक जगह पे जाके इसके शूज़ माटा लैंड से हमें पसंद आ गए। तो यहाँ पे भी बातें कर रहा है, देख कह रहा है देखो देखो इधर देखो मेरी तरफ बस। और इसके अलावा जी हम यहाँ पर आ चुके थे जी माटा लैंड पर आ गए थे और यहाँ पे भी कपड़े बहुत प्यारे लगे हुए थे बच्चों के भी, और इसके अलावा गर्ल्स बॉय इकट्ठे थे और यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे से भी यहाँ पे भी कपड़े थे। और बस हमने यहाँ पे इसके शूज़ ही ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं से शूज़ मिल जाएं और हम इसके शूज़ वाला काम जो उनसे वो हमारा ख़त्म हो जाए। तो बस इसी तरह यहाँ से देखते रहे। और इसके अलावा जी मैंने बाहर से ही इसका बनाया ये था माटा लैंड और ये देखें गाड़ी में बैठ के बातें कर रहा था, साथ मेरी बेटी भी जो उनसे वो भी इसको इसकी सुन सुन के अपनी वो भी बातें करनी शुरू हो गई। और बस इसी तरह से हम घर को आ गए, बारिश थी बहुत ज़्यादा और शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी की करके। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा छोटा सा आज का
व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोगों ने लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूँगी कल नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। ईद मुबारक आप सबको एडवांस। अल्लाह हाफिज़।